सो गाइज वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है, प्लीज ज्वाइन द सेशन। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, मैं चेक कर रहा था, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। सो वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ इन जस्ट वन मिनट। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द पाइप एंड सिस्टर्न, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट वॉज टाइम एंड वर्क। ओके, सो बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर द सेम थ्योरी विल डिस्कस, बट द टाइमिंग विल चेंज। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ते थे, जो टाइम इन डे एंड आवर, बट इन दिस चैप्टर टाइम इन मिनट और आवर। ओके, सो डोंट वरी गाइज, लेट मी स्टार्ट द सेशन। तो अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, डू वन थिंग प्लीज, डाउनलोड द ऐप सफलता ऐप। और ऐप का मैं पहले भी आपको लोगो बताया था, दिस लोगो आपको यही डाउनलोड करनी है, ठीक है, आपको ये डाउनलोड करनी है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड करोगे एंड देन यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द कोर्सेज, फ्री मॉक्स, ई बुक्स एंड ऑल दोज वीडियोज। जो भी रनिंग कोर्सेज है दैट इज रनिंग आवर प्लेटफॉर्म राइट नाउ, वो सारा आपको दिखेगा। जो भी रिस्पेक्टिव कोर्सेज आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, उस कोर्स के बारे में डिटेल दिखेगा। वैसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस ऐप। ओके, ये हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, तो हम इसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलो पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके, तो गाइस लेट मी स्टार्ट द सेशन विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड वर्क थ्योरी, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था जैसे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, वहां दिन होता था, ठीक है, वहां पे काम करते थे, यहाँ पे फिल करेंगे। सो देयर इज अ टैंक एंड देयर इज अ पाइप और टैप। तो जैसे ये टैंक है, ठीक है, अब मैं थ्योरी थोड़ा सा आपको बता दू, दिस इज द टैंक। एंड गाइज प्लीज ऑल्सो शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप, आई वॉन्ट मोर पीपल, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए और बाकी को भी जोड़िए सबको, ताकि सेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए सबको और देखें। और टेक्निक को ध्यान देना, जो कुछ शॉर्टकट भी हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और वेटेज ऑफ दिस टॉपिक मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में, जो 1 to 2 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक टैंक है, टैंक को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सिस्टर्न, रिजर्वायर, टैंक सब एक ही है, और पाइप टैप। हमने एक टैप लगाया यहाँ पे, टैप ए, और यहाँ पे एक टैप लगाया बी। सपोज ये 10 आवर में इसको फिल कर रहा है और ये 15 आवर में फिल कर रहा है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा, जो बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन इन हाउ मच टाइम दे बोथ और बोथ टुगेदर टू फिल द टैंक, तो कितने टाइम में दोनों टैंक को फिल कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे बच्चा फंस जाता है, फिर जो ये फिर नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, मतलब जैसे आप एलसीएम लेते थे वही एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पाइप और सिस्टर्न और उसके टाइमिंग मिनट और आवर में आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आते हैं, लाइक फीलिंग, इम्पिटिंग टाइप क्वेश्चन, ऑल्टरनेट का भी कॉन्सेप्ट आता है, और इसमें टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन रिलेट होंगे, थोड़े से नए आपके लिए होंगे, और कैपेसिटी बेस्ड, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो कभी कैपेसिटी और फीलिंग टाइमिंग बेस्ड से आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपना लास्ट चैप्टर का ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 6 मिनट हो गया, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से करेंगे और बेसिक से करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इफ टू पाइप्स, अगर दो पाइप दिए गए हैं, ठीक है, जो ए और बी फिल कर रहे हैं एक स्विमिंग पूल को, स्विमिंग पूल देखो स्क्वायर शेप में हो सकता है, राउंड हो सकता है, सर्कल के रूप में, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो 63 मिनट एंड 43 मिनट रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ओपन नहीं है, सिर्फ बोथ द पाइप्स आर यूज टूगेदर है, तो क्वेश्चन बोला हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल द स्विमिंग पूल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपना सेम था, ठीक है गाइज, डेली आप लोग 3 बजे सेशन को ज्वाइन करो, और जो सेशन अपना YouTube चैनल पे होगा डेली एट 3 PM, ठीक है। सो नोट डाउन, देखो, तो सबसे पहले ए का हमने लिया 63 मिनट, अब देखो यहाँ मिनट है, और बी का हमने लिया कितना 45 मिनट, तो अल्टीमेटली हमारा जो LCM होगा वो 315 मिनट होगा, ठीक है। ये चीज सबको नहीं आता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो ना 9 × 7, इसको भी तो लिख सकते हो 9 × 5, तो अल्टीमेटली 9 तो कॉमन है, तो 7 × 5 = 35, 35 × 9 = 315 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, 5 टाइम है, और ये क्या है, 7 टाइम है, देख लो आप, ठीक है। अब इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, बिकॉज दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन, मैंने एक सैंपल की तरह इसको लिया है, ठीक है। तो कितने टाइम में करेगा, आपको याद होगा फॉर्मूला एक ही सिंगल था टाइम एंड वर्क में, जिससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए थे एलसीएम में, वो था टोटल वर्क अपॉन एफिशियंसी, करेक्ट। तो टोटल वर्क अपना 315 मिनट है, और एफिशियंसी 5 + 7 = 12 हो गया। अब आप बताओ, आंसर तो फ्रैक्शन में आएगा, जो कि कैंसिल तो होगा नहीं,
These two term will never cancel out. So this is equal to 1053 and this is equal to 43. So 105 by 4 is the answer, or you can say jo like 26 se 1 by 4 minute is the correct answer, because both are same. So answer will be 26 से 1 by 4 मिनट. सो यूनिट इज इंपॉर्टेंट. तो ये एक सैंपल था, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिसको हमने आपको करवाया. ठीक है, तो आई थिंक देयर इज नो डाउट एट ऑल. ठीक है, डाउट होना नहीं चाहिए. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन योर एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन. तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन गाइज. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ठीक है, फाइव ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट साइड. अब आप आराम से पढ़ो और आराम से क्वेश्चन. अब टाइप चेंज हो जाएगा. ठीक है, थोड़े से चेंजेज होंगे. अब जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, जो अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 30 मिनट एंड दूसरा जो है अनदर वो 60 मिनट में कर रहा है. फर्स्ट लाइन इज ओके, आप टेक द एलसीएम. बट उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है, पढ़िए ध्यान से क्या है. इफ बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 5 मिनट, अगर हम दोनों को 5 मिनट के लिए ओपन कर दें. ठीक है, एंड देन फर्स्ट टैप इज क्लोज, और फर्स्ट टैप को हम क्लोज कर दें तो हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक. तो बचे हुए जो शेष भाग है टैंक का उसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज पाइप ए लिया 30 मिनट, ध्यान से देखना. ठीक है, हमने पाइप बी को लिया 60 मिनट. तो मिनट में है कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी मिनट में है. तो 60 इज द एलसीएम. तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी 2/n1, करेक्ट. अब है दोनों को हमने ओपन किया 5 मिनट तक के लिए. चलो 5 मिनट तक ओपन किया दोनों को, तो ए प्लस बी को हमने चला दिया 5 मिनट. तो टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 इनटू 5, 2 प्लस 1 3 इनटू 5, तो अपना 15 वर्क हो गया. सपोज करो बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह बना रहा हूं. ठीक है, 15 वर्क हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया. सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 45. अब जो 45 आपका बचा उसको बोल रहा है क्या, हाउ लॉन्ग इट, क्योंकि आपने ए को क्लोज कर दिया है. फर्स्ट टैप इज क्लोज, आवर फर्स्ट टैप इज दिस वन, सेकेंड टैप इज दिस वन. तो कितना सिंपल क्वेश्चन है. अब टाइम जो फिल करेगा रिमेनिंग पार्ट को वो कौन फिल करेगा, बी, बिकॉज ए टैप इज क्लोज. आपने ए को तो क्लोज कर दिया, तो जब ए क्लोज हो गया ए काम नहीं करेगा, तो काम को कंप्लीट कौन करेगा, हु विल कंप्लीट द वर्क, दैट इज बी. तो बी का एफिशियंसी इज वेरी सिंपल 1, तो दैट इज 45/1. तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 मिनट्स. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये आपका बिल्कुल क्लर्क लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया. सैंपल तो था ही बेसिक. ठीक है, और ये हमारा एक इजी टू मॉडरेट नहीं, इजी क्वेश्चन है, अभी इजी टू मॉडरेट नहीं आया. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन. ठीक है, अब रुको, ध्यान से देखो, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं अच्छे लेवल वाले, प्री वाले क्वेश्चन. ठीक है, और जो पीओ का लेवल है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो ये टाइमिंग वाला एक अच्छा क्वेश्चन है जिस पे अभी हम लोग होल्ड करेंगे और आराम से सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट. ओके, एंड गाइज डेली बेसिस ज्वाइन करो, एट 3 PM यू हैव अ सेशन, टाइम एंड वर्क कंप्लीट. आज पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कल करने वाले हैं. एंड डाउनलोड द ऐप सफलता ऐप एंड सब्सक्राइब द चैनल. नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेट आते हो तो बताते हो जो नहीं छूट गया पीछे का, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए पढ़िए क्या है. पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 10 and 15 hours. ठीक है, तो यहाँ पे ए को हमने लिया 10 और बी को लिया हमने 15. फिर एक लाइन लिखा हुआ है वाइल पाइप सी. अब देखो यहाँ पे दो फिल कर रहा है, एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये खाली कर रहा है. तो जो सी पाइप है वो इसको खाली कर रहा है. तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो, एलसीएम में गलती नहीं होना चाहिए, और ये माइनस होगा बिकॉज द रेट ऑफ फ्लो इज लाइक निगेटिव, क्योंकि ये खाली कर रहा है. ठीक है, ये चीज दिस इज न्यू, बिकॉज द सपोज द टैंक विल एम्प्टी, डेफिनेटली दैट विल बी निगेटिव साइन. ठीक है, नाउ वी हैव अ फिगर. फिगर हमने ऐसे लिया. ठीक है, सो फर्स्ट पाइप ओपन एट 7 AM, सेकेंड 8:30, ओके, एंड द थर्ड एट 10 AM. तो डेफिनेटली आफ्टर 10 AM इट विल बी, यू कैन से जो फिल, मतलब इसमें बोल रहा है ना कितना टाइम लगा, फिर 10 बजे के बाद कितना टाइम और लगा. ठीक है, बिकॉज थर्ड इज ओपन एट 10 AM. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग, पहले हम देखेंगे टिल 10 AM कितना फिल, टिल 10 AM द पार्ट ऑफ पार्ट फिल्ड कितना फिल्ड हुआ. तो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 9. ओके, सो 9 मीन्स एफिशियंसी ऑफ ए इज 9,
and time is 7 to 10, 3 hours. It means 9 into 3, 27 unit A ne fill kiya. B, 6 is the efficiency of B and 8, 30 to 10, till 10, to only 1.5 hour, so that is basically 6 into 1.5. So ultimately 27 plus 9, 36 unit filled. Out of how much? 90, correct? So what is the remaining? Remaining part is 90 minus 36, that is equal to 54. So remaining part of the tank is 54. Now, how much time will require? Now, all pipes are open. A, B and C also, because humne tap ko open kar diya. So time required to fill, that is equal to 54 upon this plus this plus this. So 9 plus 6, 15 minus 5 is 10. So this is like 540. So 540 means what? 540 means simple. You can, isko agar hum multiply kar denge, to 524 nahi ho gaya. So answer is 5 hour and 24 minute is the correct answer. Are you getting my point? It's a simple question, only the theory behind the question because of this time. So timing is important. So please just focus on the time and then solve this type of question immediately. Okay. This is not a tough question. Ye tough nahi tha. Theek hai. Now, similar question we have. This one. Similar question. Only the language problem. Yahan bhi waise time hi diya hai, but language problem. There is no empty word used in this question. So first read the question carefully, then you can solve. So read the question. What is the question exactly? Three pipe A, B and C can fill the tank 10, 12 and 15. So read the second line, because second line is the master line of this question. So pehle aap samjho question ko kya bola. First A was open, after 2 hours B was open. So pehle humne kya kiya? A ko open kiya. Jab A open ho gaya after 2 hours. So 2 hours who will work? A. And after 2 hours B will open. तो ए ऑलरेडी वर्क कर ही रहा था, उसमें ज्वाइन हो गया बी. नाउ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए 4 आवर, आफ्टर 4 आवर स्टार्ट ऑफ ए, देन सी इज आल्सो ओपन, मींस आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, मतलब 4 घंटे के बाद सी इज आल्सो ओपन. सो ए ओपन, देन ए प्लस बी ओपन, नाउ इज ए प्लस बी प्लस सी ऑल टूगेदर. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज जस्ट फुल. ठीक है, तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, टेक द एलसीएम प्रॉपरली, और एलसीएम में गलती नहीं होना चाहिए. बी इज 12 आवर, ओके, एंड सी इज 15, सो द एलसीएम विल बी 60, सो दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 4. सो फर्स्ट टेक द एलसीएम इजली एंड एलसीएम शुड बी करेक्ट. ओके, नाउ फर्स्ट 2 आवर बी वॉज, मीन्स फर्स्ट ए वॉज ओपन आफ्टर 2 आवर. सो फर्स्ट 2 आवर ए का वर्क, सो ए का वर्क एफिशियंसी और इंटू टाइम, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 यूनिट वर्क डन बाय ए. नाउ ए एंड बी बोथ ओपन फॉर नेक्स्ट 2 आवर, सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, मींस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 टू जा 22 यूनिट. इट मींस द वर्क डन बाय ए एंड बी टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 22, सो 34 यूनिट वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, 34 यूनिट. ओके, सो सिंपल, व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 माइनस 34, दैट इज इक्वल टू 26 यूनिट, 26 यूनिट हो गया. ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर 26 हो गया और क्वेश्चन में अगर आपको बोल रहा है जो अब टाइम कितना लगेगा, सो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज ऑल टूगेदर, बिकॉज नाउ सी इज ऑल्सो ओपन. सो 6 प्लस 5 फिर 11 प्लस 4 15, तो दिस वैल्यू इज 1 से 11 बाय 15, 1 आवर एंड 44 मिनट दिस वैल्यू, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144. नाउ लिसन माय पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 144 तो हो गया, ठीक है, बट क्वेश्चन में एक लाइन लिखा था यहाँ पे, आफ्टर 4 आवर स्टार्ट फ्रॉम ए, सो आफ्टर 4 आवर स्टार्ट फ्रॉम ए, तो स्टार्ट तो ए से हुआ, तो 4 प्लस हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर, दिस टाइम इज 144, सो टाइम इज इक्वल टू 544, सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 544. सो दिस इज द आंसर, एंड दिस आंसर इज बेसिकली यू सी ने, डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ओके, आई थिंक देयर इज नो डाउट, अगर डाउट है तो आप पूछोगे. ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, यू कैन सी दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट. ओके, मतलब इससे एक क्वेश्चन शायद कभी कभार आता है, हर स्लॉट में नहीं आता है. ठीक है,
अब हम बात करेंगे कैपेसिटी वाला क्वेश्चन जो हम लोग पहले भी बता रहे थे हम आपको, ठीक है। तो कैपेसिटी से रिलेट करके यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम का है, ये कॉमन क्वेश्चन है, किसी ने सेंड किया था जो सर डाउट में आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, देखते हैं। तो ठीक है, सो रीड इट केयरफुली। अ बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर टू फिल अ सिस्टर्न विद वाटर, मतलब दोनों मिलके एक सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं जिसमें वाटर है, ठीक है। द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट, हर एक 3 मिनट पे 4 लीटर वाटर उसमें पानी दे रहा है, ठीक है। एंड गर्ल पोर 3 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 4 मिनट, ठीक है। तो कितने टाइम में 150 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टर्न टू फिल, दैट इज द क्वेश्चन। तो सपोज वन सेगमेंट इज योर क्वांटिटी, वन सेगमेंट इज योर टाइम। सो बेसिकली देर आर टू पर्सन, वन इज बॉय वन इज गर्ल, सिंपल टू सेगमेंट। तो यहाँ पे 4 लीटर इन 3 मिनट, ओके, एंड 3 लीटर इन एवरी 4 मिनट, ओके। सो योर टाइम शुड बी सेम बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द टाइम, तो टाइम शुड बी सेम। तो टाइम सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ विद 4 एंड 3, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो दिस इज 16 प्लस 9 25 लीटर, 16 प्लस 9 25 लीटर। नाउ व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी, क्या आदित्य राज, गुड गुड गुड, आई एम गुड, गुड टू सी यू आदित्य, वेरी गुड आफ्टरनून, ज्वाइन द सेशन। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सॉल्व कैसे हो रहा है और ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड टू सी यू आदित्य, गुड टू सी यू, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर द सेशन एंड प्लीज डाउनलोड द ऐप सफलता ऐप, ठीक है। अभी मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा। सो 25 इज इक्वल टू 150, सो 1 इज इक्वल टू 6, तो टाइम क्या है आपका, दिस इज 12 एंड 12 मिनट कॉन्स्टेंट, सो 12 इक्वल टू 12 6 जा 72 मिनट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा दिल्ली, ठीक है। अब इसमें आप देख लो इसमें डाउट कहाँ पे है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बहुत ही सिंपल बोला है, जो 150 लीटर ऑफ वाटर इसको फिल करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, ये बहुत ही सिंपल, एक तरह से आप ऐसे समझो ना, जो हमने इसका एक तरह से एलसीएम ले लिया टाइम का, वो भी सेम ही है, ठीक है। चलो एक और करते हैं, नहीं ये तो आप कर लोगे, ये नहीं, एक क्वेश्चन शायद मैंने पीछे छोड़ा है, देखने दो, ठीक है। एक बार आप जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट 2 3 4 5 5 हो गए, चलो एक क्वेश्चन अब आप बनाओगे। सो आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट इन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो लेवल है आपका एग्जाम का उसको ये मीट करेगा, ठीक है। पहले तो मैंने दो क्वेश्चन आपको बेसिक 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 से दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, P is half efficient as R and 50% more efficient than Q. And Q and R open for alternate. Alternate question. That's why this is a good question. Okay. And start with Q, then how many? अब देखो alternate में start होगा पहले Q, फिर P. ठीक है. फिर Q, फिर P. ठीक है. इसमें दिया हुआ है alternate and then how many hours it will complete if P and Q together to fill the tank in 12 hours. So this is a very interesting and very good question. ठीक है, तो लेट्स सी हु इज गिविंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू आर एबल टू सॉल्व प्लीज ट्राई, अदरवाइज ये जाएगा होमवर्क में, क्योंकि ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट द ऑल्टरनेट वर्क, किसमें, टाइम एंड वर्क में। सिमिलर क्वेश्चन जैसे पी इज हाफ एफिशियंट एन आर एंड 50% मोर एफिशियंट देन क्यू, मतलब तीन सेगमेंट है पी क्यू और आर। अब पी के बारे में बोला है, पी जो है वो R का हाफ है, ठीक है, और वही जो P है वो 50% मोर एफिशिएंट देन Q है। अब बच्चा इसको अगर 100 ले गया तो इसको 150 ले लेगा, ठीक है, मतलब बिकॉज P के बारे में पूछ रहा है और P जो है पहले R से एफिशिएंसी। तो इस तरह से आप देखो एक बार ट्राई करके क्या आ रहा है आंसर, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इन 2 मिनट तो आप इसको ले लोगे होमवर्क, क्योंकि एक ही क्वेश्चन यही बचा है, ठीक है। और मैं आपको ऑल्टरनेट का एक सिंपल सा थ्योरी देता हूँ, जैसे मैंने बताया था पहले, तो सपोज ए किसी काम को 16 दिन में किया, बी किसी काम को 12 दिन में किया, तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था इस टाइप के क्वेश्चन, एलसीएम 48, सो दिस इज 3 दिस इज 4, तो अल्टीमेटली हु विल स्टार्ट द वर्क, तो उसमें तो ये था ए विल स्टार्ट द वर्क, तो ए बी फिर ए बी, दिस इज द साइकिल, मतलब चलेगा। तो फर्स्ट डे ए सेकेंड डे बी, सो इन 2 डे, 2 दिन में 4 और 3 7 यूनिट वर्क हो गया, इन 2 डे 7 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो अगर हमको 48 काम करना है तो 7 का मल्टीपल 48 तो होता नहीं, 49 होता है या फिर 42 होता है, तो ज्यादा तो हो नहीं सकता बिकॉज टोटल इज 48, तो मोर देन दैट इज नॉट पॉसिबल, सो लेस देन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 6 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. तो 12 डेज में हमने कर लिया 42 काम. अब हु विल कम टू वर्क ऑन नेक्स्ट डे 13 डेज, ए ए मीन्स 3 यूनिट, तो इसको 3 यूनिट दे दिया तो 45. बट नाउ स्टॉप बिकॉज योर क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कम्प्लीट. तो अगर हम अगला दिन ले लेंगे 14 डे तो 4 इसमें ऐड होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई स्टॉप हेयर. अगला दिन जो आएगा 4 ये इसको 3 काम दे देगा, देन योर टोटल वर्क विल कम्प्लीट. सो दिस टाइप ऑफ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. और जो क्वेश्चन अभी हमने आपको दिया है सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द डे और ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ पी क्यू एंड आर, देन इमीडिएट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ले लो एज अ होमवर्क. ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर एंड, एंड आंसर इज नॉट दिस वन, आंसर इज सी कैलकटा. ओके, बट दिस इज द होमवर्क, यू कैन ट्राई एट योर एंड. ठीक है, तो जो मैंने अभी तक आपको बताया जो टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसी पे क्वेश्चन आएगा पेपर में. ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने शुरुआत में बोला दे दीजिए सम कोर्सेज विच आर रनिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड सफलता ऐप. तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं उसके बिहाफ पे. एक नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ये जो टीईटी का कंप्लीट बैच आ रहा है यूपीएससी का, ठीक है, वो आपका 16th ऑफ मई से आ रहा है, ऐप पे दिख जाएगा डिटेल. और जो कोर्स के फीचर्स हैं वो ये हैं, तो इसको अगर आपको देखना है, जो कि ये बैच स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट बैच, तो देखो कितने आवर्स की क्लास है, लाइव मॉक टेस्ट, इतने पीडीएफ, कोर्स की वैलिडिटी और 16 मई. तो टाइम कम है एनरोलमेंट करने के लिए, गो टू द ऐप एंड देन यू कैन एनरोल. एक बार आप स्ट्रक्चर भी कंप्लीट देख सकते हो. तो ये हमारा एक नया आपके लिए है पीईटी बैच. ठीक है, सेकेंड, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो लेखपाल जो अभी एग्जाम जून में है उसके लिए अगर हम देखें तो एक बैच हमने आपको कल भी बताया था 10th ऑफ मई, कल से नहीं परसों से स्टार्ट हुआ है, और ये एक तरह से टारगेट बैच है. तो टारगेट बैच मतलब आपके पास टाइम कम है, तो इसमें आपको पूरा आपको सिलेबस कवर किया जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड किया जाएगा. ठीक है, और इसको ज्वाइन करने के लिए फी दिया है, और ये आपका क्या है कोर्स के फीचर्स है. और एडिशनल मैंने आपको बताया यूट्यूब सेशन चल रहा है, मैराथन चल रहा है संडे टू संडे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन क्लास, तो काफी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए उस पे है. ठीक है, और ऐप पे इसका सारा इन्फॉर्मेशन है. एक नया एडिशनल क्या आया, एनडीए का बैच, एनडीए का कंप्लीट बैच. अब आपको मैं बता दूं लास्ट मंथ में एनडीए का एग्जाम हुआ, हो गया, अब नया बैच के लिए फिर से सेशन स्टार्ट. तो इसका बैच 1 जून से आ रहा है, तो टाइम है, बट सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाके आप इसके फीचर्स को देखो एंड देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स बिकॉज बैच इज कमिंग. तो जल्दी ही बैच आ रहा, टाइम कितना रह गया, मई खत्म हुआ 1 जून, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है कहने के लिए. आपको लगेगा जो नहीं हमारे पास है 18 दिन टाइम, लेकिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा. तो जो भी स्ट्रक्चर है जितना भी डिटेल है वो आप जाके देखोगे ऐप पे, और कौन सा ऐप, यही ऐप को आपको डाउनलोड करना. ठीक है, ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. एक और नया आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है. ठीक है, इसलिए आपको ऐप पे मैं बोलता हूँ आने, वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा. अब देखो यहाँ पे 16 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 से भी हुआ था लास्ट वीक, इस वीक में भी हो रहा है, और दोनों कैटेगरी के लिए साइंस एंड नॉन साइंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो जुलाई में है. टाइम कम है, 1.5 महीने बचे हैं मैक्सिमम, और उसमें आपको अच्छे से तैयारी करना है. ऑलरेडी हमारे पास बैचेज चल रहे हैं, जो अभी बैचेज मैं ले भी रहा हूँ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के. ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हो ऐप पे जाके. तो ऐप पे आओगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर में सब कुछ आपको दिखेगा, फ्री वीडियोस मिलेंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं फ्री में, ई बुक्स एक नया फीचर आया है, आप ई बुक को डाउनलोड कर लो, जो कोर्सेज हैं उस कोर्स पे जाके आप उस कोर्स को कंप्लीट, मतलब आप उस पीडीएफ को देख के आप पढ़ सकते हो आराम से मोबाइल में या लैपटॉप में, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच, यहाँ पे आप देखो डेट इसका कब है, 17, आज कितना हो गया 12, तो ओनली 4 डे लेफ्ट, 5th डे से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है. तो इसमें इनरोलमेंट कराने के लिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर इज गिवन, जो आपके कोर्स का स्ट्रक्चर है, कितने आवर्स की क्लास ले, कितने पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, आपके कितने इसमें तो आपका सिंपल है, इसमें आपके मॉक टेस्ट 30+ दिए गए हैं, और कोर्स का जो वैलिडिटी है, जो हमारा क्रेडो है ना, वो बहुत यूनिक है, साथ रहेंगे सक्सेस तक. जब मैंने आपको बोला था
जो एक बच्चा 9th में भी आता है, 10th करता है, 11th 12th, उसको भी चाहिए जॉब, तो हम लोग उसके साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि उसको जॉब ना मिले, सक्सेस करना है। आप इस तैयारी कर रहे हो, अभी आपका बैच खत्म होगा, एग्जाम होगा, तो जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ जुड़ेंगे, दैट इज आवर मोटो। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ये यूनिक वर्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जो है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और कल हमारा सेशन जो है वो एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें दोनों मिक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, और आपको नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो गाइज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।